हेलो नाइन्थ क्लास, दिस इज चैप्टर नंबर 13। व्हाई डू वी फॉल इल एंड वी आर टेकिंग दिस टॉपिक्स। सो वेलकम अगेन, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर मुकेश कुमार द्रोणा। और आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हम बात करें हेल्थ। हेल्थ मीन्स अ पर्टिकुलर, हमारी पूरी सराउंडिंग लाइफ के अंदर, बेसिकली लाइफ के सराउंडिंग एरियाज के अंदर हमारा खुद का हेल्थ, हमारा डिजीज फ्री होना चाहिए, हमें जंप्स से फ्री होना जरूरी है, हमारी बॉडी के अंदर माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, बेसिकली किसी भी न्यूट्रिशन एलिमेंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, वाइटामिन्स, ये सभी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी हमारी बॉडी में, मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी प्रॉपर रिक्वायर्ड फॉर्म में होने चाहिए, जिस रिक्वायर्ड फॉर्म में होते हैं और बॉडी के लिए रिक्वायर्ड फॉर्म होती है। इन सभी कंपोनेंट्स का जो बैलेंस फॉर्म होता है, दैट्स कॉल्ड बैलेंस डाइट। सो हेल्थ की बात करें अपन, वेल बीइंग टू फंक्शन फिजिकली मींस बॉडी लेवल पर, मेंटली मींस हियर, एंड सोशल इवेंट्स द रिलेशनशिप, दे आर डिफरेंट थ्री एरिया ऑफ आवर टोटल हेल्थ। दिस इज कॉल्ड मेंटल, physical and social health, the composition of these three types of era, that causes health. Because meri health achhi hai means I am disease free, this is not a sufficient to be a good health. So well being means teen areas mein well being honi zaruri hai. Well being to function physically, mentally and social wellness, this is called. So is tarah ka jo good health hai, वो केवल खाने से नहीं, बेसिकली वो सराउंडिंग एरिया में पॉल्यूशन फ्री भी होना चाहिए, आपकी डाइट भी बैलेंस होनी चाहिए, लोगों के साथ में आपका बिहेवियर भी गुड होना चाहिए, आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी होनी चाहिए, आपका पर्सनल हाइजीनिटी के साथ साथ आपकी पब्लिक क्लीननेस भी प्रॉपर होनी जरूरी है। दीज ऑल एरिया एंड प्रैक्टिसेस विल डिसाइड योर टोटल हेल्थ। सो डिजीज फ्री इज नॉट अ सफिशियंट टू बी अ गुड हेल्थ, ये एरिया भी काम कर रहे हैं। सो बैलेंस्ड डाइट, द ऑल कॉम्पोनेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर और कंप्लीट ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी शुड बी देयर इन अ बैलेंस्ड और इन अ प्रॉपर अमाउंट। पर्सनल हाइजीन और क्लीनिनेस, पर्सनल क्लीनिनेस होना जरूरी है। पर्सनल क्लीनिंग में आप सही से वॉश कर रहे हैं अपनी बॉडी में, बॉडी पार्ट्स को सही से क्लीनिंग कर रहे हैं, आपके जम्स के एंटर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, इंफेक्शन की पॉसिबिलिटी कम रहती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक पर्सनल क्लीनिंग। पब्लिक क्लीनिंग अपनी सराउंडिंग एरिया में, ड्रेनेज सिस्टम, बेसिकली आसपास के एरिया में डर्ट इकट्ठा नहीं होना चाहिए, गार्बेज प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाना चाहिए, सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, पानी कहीं पर ब्लॉक ना हो जिससे वहां जम्स, वर्म्स और इंसेक्ट्स जनरेट हो जाए, अदरवाइज बहुत सी डिजीज क्रिएट हो जाएंगी। सोशल इक्वलिटी, सोशल इक्वालिटी का मतलब सीधा सा ये हो गया कि एक सोसाइटी में जितने भी पर्सन रहते हैं उनके मेंटल, फिजिकल और सोशल लेवल पर मेंटेनेंस जो इक्वलिटी होनी जरूरी है, सबको बराबर चॉइसेस मिलनी चाहिए, सबको बराबर चांसेस मिलने चाहिए, सबके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, किसी के साथ इस तरह से बैड बिहेवियर होने से उसकी जो सोशल इक्वालिटी है वो खत्म हो जाती है, उसका मेंटल डेवलपमेंट ब्लॉक हो जाता है। दैट These all areas and patterns or parameters will decide your total health. Disease, the improper functioning of body organs may be many reasons, like आपकी body के अंदर है nutrition नहीं है, proper functioning नहीं हो रही, for example vitamin A की lacking position में आपकी eyes proper काम नहीं करेगी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से आपके बोन्स हैं और मसल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे। उसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर यदि पोटेशियम और सोडियम की लैकिंग हो जाएगी तो आपकी बॉडी में जो नर्व इंपल्सेंस और नर्व सिस्टम वर्क करते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। इन सभी न्यूट्रिशन एलिमेंट्स के अलावा वाइटामिन, डिफरेंट वाइटामिन में बात करें, वाइटामिन सी, बी, उसी तरह से वाइटामिन B12, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द टोटल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, वाइटामिन, इन सबका प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। प्रोटीन की कमी से हमारी बॉडी के अंदर मैलन्यूट्रिशन होगा, मैलन्यूट्रिशन की वजह से डिजीज हो जाएगी, क्वाशार्कर और क्वाशार यॉर्कर एंड मेरास्मस। उसी तरह से आयोडीन एलिमेंट की हमारी बॉडी में कमी होने से थायरॉइडिज्म हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड अपने एनलार्ज फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह से ये सारा का सारा बॉडी के अंदर जो प्रॉपर डाइटिंग फॉर्म है
वो यदि प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करना चाहते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स यदि फंक्शनिंग फॉर्म में है तो इस तरह से हमारा गुड हेल्थ होगा, हम डिजीज फ्री रहेंगे। अदरवाइज हमारी बॉडी के अंदर एक माल न्यूट्रिशन क्रिएट हो जाने से हमारा कोई ना कोई फंक्शन, हमारे किसी न किसी ऑर्गन की फंक्शनिंग हमारे पूरे टोटली बॉडी के अंदर है वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाएगी। दिस अनबैलेंसी ऑफ द टोटल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड डिजीज। दिस अनबैलेंसी ऑफ द टोटल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड डिजीज। सो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स मे बी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, इंजुरी की वजह से हो सकता है, राइट। तो दीज आर द पर्टिकुलर, ये जो फैक्टर्स हैं बेसिकली डिजीज के कॉजेज हैं वो दो टाइप के, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली ये माइक्रोब्स हो सकते हैं, फूड हो सकते हैं, पोल्यूशन हो सकती है, ड्रग्स होती है ना, अल्कोहल हो सकती है। जबकि इंटरनल फैक्टर्स में जीन्स और बॉडी पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ये जीन्स और बॉडी पार्ट्स के अंदर हम देखें, यदि कोई भी जीन्स पर्टिकुलर किसी एक्सप्रेशन को शो करता है प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, कोई जेनेटिक करेक्टर्स को लेके जाता है, उस जीन्स के सफर हो जाने से, डिफेक्ट हो जाने से वो जेनेटिक करेक्टर्स सही से मूव नहीं करेगा। लाइक कैंसर, कैंसर जैसी डिजीज में क्रिएट हो सकती है। उसी तरह से हीमोफीलिया, कट लग जाने पर ब्लीडिंग स्टॉप करने का एक मेथड होता है, इस तरह से जीन के डिफेक्ट होने से ब्लीडिंग होती रहेगी। इसी तरह से बॉडी पार्ट्स के अंदर भी जो एक मदर से एक फादर से जो करेक्टर्स जीन्स के थ्रू जाते हैं वो प्रॉपर नहीं जाने की पोजीशन के अंदर उन एम्ब्रियो में बनने वाले किसी न किसी बॉडी पार्ट्स में मेल न्यूट्रिशन, किसी न किसी बॉडी पार्ट्स के अंदर डिसफंक्शनिंग क्रिएट हो जाएगी। लाइक हम बात करें पैंक्रियास, पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, तो उससे रिगार्डिंग कोई सेल्स या जीन्स यदि वो प्रॉपर फंक्शनिंग ना करे तो उस पोजिशन को हम यहाँ पर इंटरनल फैक्टर्स की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जितने भी होते हैं वो बेसिकली आपकी बॉडी में इंफेक्शियस कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एयर, वाटर, एयर वाटर सॉयल फूड, इनके थ्रू यदि उन इन सभी मीडियम्स के अंदर किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक माइक्रोस्कोप्स है तो वो माइक्रोब्स आपके इस मीडियम के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, सॉयल के थ्रू, फूड के थ्रू आपके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैल सकता है। बट जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं देन नेवर ट्रांसमिट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट, यानी कि एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कभी भी फैलते नहीं है। तो ये डिजीज कम्युनिकेबल नहीं होते, ये डिजीज कम्युनिकेबल होते हैं, ये फैक्टर्स कम्युनिकेट होकर के इन्फेक्शियस डिजीज क्रिएट नहीं करते, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, और ये इन्फेक्शियस डिजीज क्रिएट करते हैं। लेट्स कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज होती है। एक्यूट बॉडी के अंदर है वो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ये क्योर की जा सकती है। इसलिए बॉडी में कोई भी डिजास्टर वाले या बहुत सडन बड़े कोई सिम्टम्स नहीं देखे जा सकते, देखे नहीं जाते जनरली। इस तरह के जो डिजीज होती है लाइक कॉमन कोल्ड, ये आसानी से एक पर्सनल अटेंशन देते हुए, सिंपल से अटेंशन देकर के इनको क्योर किया जा सकता है। बट क्रॉनिक टाइप्स ऑफ डिजीज दे लास्ट फ्रॉम अ वेरी दे लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इवन कई बार तो ये पूरी लाइफ के अंदर ये लास्टिंग करते हैं। दैट्स व्हाई क्रॉनिक डिजीज आसानी से दे दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड इन इजी वे में, और इनके जो सिम्टम्स और इफेक्ट्स आते हैं वो बहुत ही ड्रैस्टिक आते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, और जिनको क्योर नहीं करना, बहुत क्योर करना बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन होती है। सो नॉट बी इजिली क्योर्ड, एलिफेंटियासिस, एड्स एंड कैंसर्स आर द रिलेटेड एग्जाम्पल्स। अब आ जाए आप इंफेक्शियस एजेंट। देखिए इंफेक्शियस एजेंट्स की बात करें तो स्पेशली एक्सटर्नल फैक्टर जितने भी होते हैं, माइक्रोब्स, फूड, पॉल्यूशन और ड्रग्स और अल्कोहल, बेसिकली इंफेक्शियस एजेंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए कई ऐसे डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल करके इंफेक्शियस कंडीशन क्रिएट करते हैं। उसी तरह से कई डिजीज ऐसे होते हैं जो बेसिकली एक बॉडी पर्टिकुलर तक लिमिटेड रह करके उसी तक स्टॉप हो जाते हैं। इस तरह से डिजीज के इस इंफेक्शियस एजेंट के अकॉर्डिंग दो तरह के हो गए। इंफेक्शियस बेसिकली हमें इंफेक्शियस एजेंट की बात करें तो इंफेक्शियस एजेंट के अंदर आ जाते हैं आपके वायरस, कॉमन कोल्ड एंड एट्स एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ डिजीज, बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, कॉलेरा, टाइफाइड, फंगी जिनमें एजेंट होते हैं, स्किन रिंगवॉर्म, प्रोटोजोआ में मलेरिया, ब्लैक फीवर, अमाबियासिस, वर्म्स के अंदर एलिफेंटियासिस, पीनियासिस एंड एस्किरिसिस। दीज आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इंफेक्शियस डिजीज। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, कॉजेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस,
इन्फेक्शियस डिजीज कैन ट्रांसमिट फ्रॉम अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज एंड दिस काइंड ऑफ डिजीज एंड जर्म्स कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू द अनदर पर्सन. सच काइंड ऑफ डिजीज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरकुलोसिस. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती है दे रिमेन टू द बॉडी ऑफ अ पर्टिकुलर पेशेंट, दे नेवर एक्सप्रेस, दे नेवर स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू द अनदर पर्सन लाइक डिजीज कैंसर एंड डायबिटीज. मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग, मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग का पर्टिकुलर हो गया कि यदि जर्म्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैल रहे हैं तो दिस कंडीशन कॉल इन्फेक्शन कंडीशन. बट यदि इस तरह की स्प्रेडिंग पर्टिकुलर माइक्रोब्स की स्प्रेडिंग, जैसे मैं सफर हूं किसी बॉडी से और सफरिंग कंडीशन के अंदर मैं अपना स्पिटअप करता हूं या यूरिन पर अननेसेसरी अनहाइजेनिक कंडीशन में छोड़ता हूं, तो ऐसी कंडीशन में वो जर्म्स और माइक्रोब्स किस कंडीशन में आ जाएंगे? एबायोटिक कंडीशन. यदि ये जर्म्स मैंने छोड़े हैं एयर में, वाटर में, फूड में, सॉयल में, इस तरह की स्प्रेडिंग को कहते हैं कॉन्टामिनेशन. और इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्टामिनेटेड एयर, कॉन्टामिनेटेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड सॉयल. तो इस तरह से ये स्प्रेडिंग होती है. कोई भी आदमी जिसको कॉमन कोल्ड हो चुका है या हो रखा है वो फास्ट स्नीजिंग करता है, तो फास्ट स्नीजिंग से उससे 2 से लेकर के 10 मीटर के बीच में उसके एयर के अंदर एक स्मॉल बबल्स का एक पूरा एरिया बनता है जिसमें वायरस मिलियन ट्रिलियंस नंबर हो सकते हैं. तो यहां पर एयर एक मीडियम हो गया जिसके थ्रू ये स्प्रेडिंग हो रही है. अब आ जाए ट्रीटमेंट. पर्टिकुलर किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करने के 2 पैटर्न्स हैं. फर्स्ट है रिड्यूसिंग सिम्टम्स. उस डिजीज की वजह से, उस जर्म्स की वजह से, पर्टिकुलर उस मैलन्यूट्रिशन की वजह से जो बॉडी के अंदर है वो सिम्टम्स जो क्रिएट हो गए हैं उन सिम्टम्स को रेक्टिफाई करना, उन सिम्टम्स को रिमूव करना. इसलिए जनरली इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो डिजीज के अंदर स्पेसिफिक होते हैं. पर्टिकुलर किसी ऑर्गन्स में स्पेसिफिकली और सिंपली देखे जा सकते हैं. सच काइंड ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिजीज दैट कॉल मैनिफेस्टेशन. और मैनिफेस्टेशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. लाइक कॉमन कोल्ड के अंदर ये वाला एरिया जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं वो सफर होता है. तो दिस इज द मैनिफेस्टेशन. स्पेसिफिक टाइप ऑफ करेक्टर कैन बी सीन इन नेजल कैविटी. कॉमन कोल्ड से सफर हो रहा है तो यहां पर सिम्टम्स देख करके हम उसको बेसिकली सिम्टम्स को क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हैं, रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं. उसी तरह से लंग्स के अंदर यदि किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का सफरिंग हो रहा है, लंग्स के अलावा यहां पर यदि आप ग्रीन और पर्पल कलर का नजर आते हैं, लिप्स आपके पर्पल कलर नजर आता है, या कफ जो आता है, खांसी जो आता है, उस खांसी या कफ के अंदर आपकी जो स्पूटम है ग्रीन येलोइश कलर नजर आता है, तो दिस विल बी द मैनिफेस्टेशन ऑन निमोनिया. तो निमोनिया के जो कंजक्शन नजर आते हैं, सिम्टम्स नजर आते हैं, वो लंग्स में नजर आते हैं. इस तरह से हर डिजीज, हर एक जम्प का पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन और पार्ट के अंदर आप कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देख सकते हैं, उन्हीं को आइडेंटिफाई करके रिड्यूस करना फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस में आता है. सेकेंड है माइक्रोब्स को किल करना. माइक्रोब्स को किल करने के लिए बेसिकली एंटीबायोटिक्स और इंटरफेरेंस टाइप की डिजीज क्लियर मेडिसिन होती है जो जम्प्स को मारते हैं, माइक्रोब्स को मारते हैं. माइक्रोब्स वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरस हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं. इस तरह से सिम्टम्स को रिमूव करने के साथ साथ आपको माइक्रोब्स को किल करना पड़ेगा, तभी जाकर के यू विल बी कंप्लीटली ट्रीटेड बाय अ डिजीज और ऑफ अ डिजीज. अब हम बात करें प्रिवेंशन. किसी भी डिजीज से प्रिवेंशन करना है, उसको स्प्रेड होने से रोकना है, तो हाइजीन रखना पड़ेगा, गुड हेल्दी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. यू हैव टू नीट एंड क्लीन पर्सनली, यू हैव टू पे योर अटेंशन टू द पर्सनल क्लीननेस, यू हैव टू गिव अ पर्सनल अटेंशन टू योर सोसाइटी, पब्लिक क्लीननेस, बैलेंस डाइट, ये सारी चीजें यहां पर आती है. अब हम बात करें इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन. इम्यूनाइजेशन क्या है? स्ट्रेंथन टू योर इम्यून सिस्टम. अपने इम्यून सिस्टम और रेसिस्टेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, यानी को उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड इम्यूनाइजेशन. इसमें क्या हो रहा है? इंडक्शन इफेक्ट दे रहे हैं. ये इंडक्शन इफेक्ट है वह वैक्सीन लेकर के करते हैं. वैक्सीन किल्ड जर्म्स और म्यूटेंट जर्म्स होते हैं या उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जो बॉडी में अर्लियर स्टेज में चाइल्डहुड कंडीशन में इंजेक्ट कर दी जाती है. इस तरह से बॉडी के अंदर एक इम्यूनाइजेशन को पहले से ही पावरफुल करने की प्रिपरेशन हो जाती है. सो व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इंडक्शन ऑफ इम्यूनिटी इन टेकिंग वैक्सीन्स. वैक्सीन्स लेकर के इम्यूनिटी सिस्टम को पावरफुल करना, दैट कॉल इम्यूनाइजेशन. और वैक्सीनेशन क्या है?
द प्रोसेस ऑफ इन टेकिंग ऑफ वैक्सीन, जब वैक्सीन हम प्रोसेस के थ्रू ले रहे हैं तो दैट कॉल वैक्सीनेशन। इस तरह से वैक्सीन क्या हो गए, किल्ड जर्म्स और म्यूटेंट जर्म्स और देयर प्रोडक्ट्स ऑफ जर्म्स आर इंसर्टेड टू सर्टन अवर इम्यून पावर और इम्यून रेसिस्टेंस। इम्यून रेसिस्टेंस सिस्टम को पावरफुल करना, उसको पावर देना, इस तरह से वैक्सीन के थ्रू हो सकता है। वैक्सीन किस किस का होता है, कॉलेरा वैक्सीन होता है, टाइफाइड का भी वैक्सीन होता है, टिटनेस का वैक्सीन भी होता है, उसी तरह से आपके चिकन पॉक्स का भी वैक्सीन होता है। तो इस तरह के जो वैक्सीन है, पर्टिकुलर जिस तरह का वैक्सीन बनाना होता है, उस तरह के माइक्रोब्स को ट्रीट किया जाता है, उसे किल्ड किया जाता है, उसके प्रोडक्ट को बहुत ही कम कंसंट्रेशन और इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू इस तरह की डिजीज जिनका नेचुरल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है या नेचुरली आपकी बॉडी के लिए वो अननोन है, उस कंडीशन में इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन मेथड के थ्रू बॉडी के इम्यून सिस्टम को पावरफुल किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। हम इसके साथ में ही लाइव क्लास में इसके डाउट्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, थोड़ा रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।